Good morning to all. I had already explained three layers of the earth in the previous video. I will explain about the different types of rocks and minerals. What do you know about the rocks? Any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. कुछ natural mass of minerals होते हैं, कुछ substance होते हैं जो earth की crust को बनाते हैं, जिन्हें rocks कहा जाता है. The main components of the rocks are minerals. Main components rocks के minerals ही होते हैं. The rocks are the solid particles made up of a mixture of the minerals. Rocks कुछ ऐसे solid particles होते हैं जो minerals के mixture से ही बनते हैं. They have different color, size and texture. कुछ ऐसी rocks होती हैं जो different different color की होती हैं, different different size की होती हैं, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है. कुछ डिफरेंट टेक्सचर की होती हैं, जैसे कोई सॉफ्ट होती हैं, कोई हार्ड होती हैं, तो डिफरेंट टेक्सचर की होती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन और बर्थ द रॉक्स आर द क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज. फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स, सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. और ये तीनों रॉक्स जो हैं ये अर्थ की क्रस्ट को बनाती हैं. फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स. इग्नियस एक ऐसा वर्ड होता है, लैटिन वर्ड इग्निस, उसका मतलब होता है फायर. दीज आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन लावा. जो मोल्टन लावा है वो ठंडा होके सॉलिड बन जाता है जो इग्नियस रॉक्स को बनाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रॉक, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन, इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन सबसे पहली होती है, इसलिए इसको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है. The red hot molten material inside the earth is called magma. Earth molten एक material होता है earth के अंदर, जिसे magma कहा जाता है. During the volcanic eruption, जब volcanic erupt volcano जो होते हैं erupt होते हैं, तो magma earth interior of the earth earth के अंदर से बाहर आ जाता है and That is called lava, जिसे लावा कहा जाता है. They makes up 85% of more of the earth crust. जो अर्थ की क्रस्ट का 85% पार्ट जो है वो इग्नियस रॉक से ही बना होता है. They lack in fossils. इसमें जो fossils होते हैं उनकी कमी पाई जाती है. ये जो रॉक्स होती हैं ये बहुत हार्ड होती हैं, जैसे बेसाल्ट रॉक, ग्रेनाइट द आर द एग्जांपल्स ऑफ द इग्नियस रॉक्स. मैंने आपको बताया कि इसमें जो फॉसिल होते हैं उनकी कमी पाई जाती है. फॉसिल की कमी क्यों पाई जाती है? क्योंकि फॉसिल मीन्स होता है कोल, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा. तो जो हमारी इग्नियस जो रॉक है वो क्रस्ट की मेनली ऊपरी, हमारी जो क्रस्ट होती है मेनली उसी में ही पाई जाती है. लेकिन ये जो फॉसिल्स होते हैं ये हमारी अर्थ की बहुत गहराई में पाए जाते हैं, इसलिए इसमें इन चीज़ों की कमी पाई जाती है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोलिडिफिकेशन ऑफ लावा द इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो कैन बी डिवाइडेड इंटू द टू ग्रुप्स. फर्स्ट इज इंट्रक्सिव और सेकंड इज एक्सट्रक्सिव इग्नियस रॉक्स. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट
इट इज़ कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ग्रेनाइट जो है वो इसी का एक एग्जाम्पल होता है, जो पाउडर जो बहुत सारे मसाले बनाए जाते हैं, मसालों का पाउडर बनाया जाता है, ग्रेन अनाज जो पीसा जाता है वो सारे उनमें ग्रेनाइट जो रॉक होती है उसी का ही यूज किया जाता है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो होती है, जब मोल्टन मैग्मा अर्थ सरफेस में ऑन द अर्थ सरफेस के ऊपर ही जब ठंडा हो जाता है, बिकम सॉलिड, और वो जब सॉलिड बन जाता है तो वो एक्सट्रूसिव रॉक्स कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। दे हैव ए वेरी फाइन स्ट्रक्चर। बेसाल्ट जो है वो इसी का एक एग्जाम्पल है। डेकन प्लेटू जो है, ये है डेकन प्लेटू, ऑफ द इंडिया इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। जो हमारे ये डेकन प्लेटू है इंडिया में पाया जाता है, जो बेसाल्ट रॉक से ही बनता है। दीज रॉक्स फ्रॉम द ब्लैक सॉइल, इसमें ब्लैक सॉइल पाई जाती है और ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट मानी जाती है ब्लैक सॉइल। बेटा मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन हैं कि मैम क्या हम ये सारी चीज़ें फेयर नोटबुक में लिखें या नहीं लिखें। तो मैंने एक पीडीएफ बना के भेजी थी फर्स्ट चैप्टर के एंड में, तो आपको फेयर कॉपी में पीडीएफ वाला जो वर्क है वो करना है, और एक लास्ट के जो वीडियो भेजी थी जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे वो आपको लिखने हैं। और इसके अलावा इन नोट्स जो पीडीएफ में नहीं था और इन नोट्स में जो चीज़ है और आपको वो चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है अपनी नॉलेज के लिए, तो उसको आप इम्पोर्टेंट पॉइंट डाल के और फिर अपनी फेयर नोटबुक में लिख सकते हो। एक लास्ट में मैंने असाइनमेंट भेजा था चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का, उसको आप फेयर नोटबुक में ही करेंगे, और फेयर नोटबुक में करने के बाद आप उसको मेरी ईमेल आईडी पे सेंड कर देंगे, और ईमेल आईडी मेरी है pinkybhaiskps@gmail.com। और वो असाइनमेंट जो है करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी प्रॉपर मार्किंग की जाएगी, और ये मेरी आईडी है, इसके ऊपर आपको असाइनमेंट करके फेयर नोटबुक में और तब सेंड करना है। माय डियर चिल्ड्रंस, दिस मार्क्स द एंड ऑफ वीडियो। टुमारो वी विल लर्न अबाउट द सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, थैंक यू।